जब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान किया था, तब से ही राजस्थान में भी चर्चाएं तेज होने लगी थी कि आखिर राजस्थान में पार्टी किसे सीएम बनाएगी, किसी पुराने चेहरे को राजस्थान का सीएम बनाएगी या फिर राजस्थान की कमान किसी नए चेहरे को सौंपेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बीजेपी ने एकदम से उन चेहरों को आगे कर दिया था जो कभी रेस में शामिल ही नहीं थे, लेकिन राजस्थान में बीजेपी ने आखिरी में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री पद की रेस में भी नए और चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। मंत्रियों के नामों पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक्सरसाइज शुरू हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि पार्टी किसे गृह मंत्री और कौन से विधायक को मंत्रिमंडल में चेहरा बना सकती है। अगर बात करें कि गृह मंत्री किसको बनाया जा सकता है, तो आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री के लिए बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा का नाम आगे चल रहा है। बता दें गृह मंत्री की जिम्मेदारी आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसकी छवि हिंदूवादी नेता की हो। ऐसे में देखने लायक होगा कि बीजेपी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको सौंपती है। गृह मंत्रालय के बाद बात करते हैं वो कौन से विधायक है जिनका नाम मंत्री बनने के दावेदारों में सबसे आगे चल रहा है। बता दें 35 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनका नाम मंत्री बनने की लिस्ट में शामिल है। उनमें किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, महंत प्रतापपुरी, विश्वराज सिंह मेवाड़, जेठानंद व्यास, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जितेंद्र गोठवाल, झाबड़ सिंह खर्रा, रोशम चौधरी, दीप्ति किरण माहेश्वरी, अनिता बदेल, जवाहर सिंह बेड़म, जगत सिंह, हंसराज पटेल, पब्बाराम बिश्नोई, हीरालाल नागर, भेराराम चौधरी, लालाराम बेरवा, संजय शर्मा, गोपाल शर्मा, लादूलाल पिकलिया, जयदीप बिहानी और ताराचंद जैन के नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल है। इस बार विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी ने केंद्र में महिला आरक्षण का बिल पास करवाया है। हालांकि ये बिल लागू बाद में होगा, लेकिन इस बिल को लागू करने के बाद से ही पार्टी ने महिला मंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी करने का एक मैसेज दे दिया है। बता दें महिला मंत्रियों के नाम में दीप्ति किरण माहेश्वरी, अनीता भदेल, नौशम चौधरी, सिद्धि कुमारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वही दूसरी ओर इस बार बीजेपी दलित वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इस बार बीजेपी ने प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर दलित वर्ग को साधने का मैसेज दिया है। बता दें बीजेपी में 16 विधायक दलित जाति से है। बीजेपी में सबसे ज्यादा विधायक एससी एसटी राजपूत जाट ब्राह्मण वर्ग से जीत कर आए हैं। इसके अलावा वैश्य और बीजेपी का कोर वोट बैंक मानी जाने वाली ओबीसी जातियों के विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है। इस दौरान इन जातियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में इन्हें जगह देकर बीजेपी जातीय संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस से जुड़ाव रखने वाले लोगों को ही मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इस दौरान पहले फेज में 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बन सकते हैं। बाकी बची हुई जगह को लोकसभा चुनाव के बाद भरे जाने की संभावना है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।